कुछ चाह रहा है, ये कुछ चाह रहा है मैं कुछ बोलूं। देखा वो कह रहा है यार अभी चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप। ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने। देख ले ये देखो। भैया वेलकम टू अनदर फूड ब्लॉग। और आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हमने सोचा कि भाई लड़के डेली थक जाते हैं बेचारे, तो आज 28वां रोज़ा ख़त्म हुआ है तो हमने सोचा कि भाई आज का रात का खाना हम खाएंगे कुछ स्पेशल। बिल्कुल, और हमारे लिहाज से स्पेशल वही होता है भाई, कढ़ाई कटाकट और बारबेक्यू है ना, बिहारी बोल। तो उसके लिए हमने सोचा भाई अब हम एक नई जगह पर आएंगे, हम आ गए हैं नूरानी, और नूरानी पर तमाम जो लड़के हैं ना वॉलंटियर्स और हम मिल के भी डिनर करेंगे। तो क्या ऑर्डर कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये अभी आपको पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सबको, कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं? बहुत ज्यादा बुरे। एक बंदा कुछ चाह रहा है, ये कुछ चाह रहा है मैं कुछ बोलूं। आप कैमरे के अलावा नहीं, मैं कैमरे के अलावा ही बोल रहा हूं। बोलूं? देखा वो कह रहा है यार अभी चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप। ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैंने। देख ले ये देखो। चार कटाकट और मेरे ख्याल चिकन कर लें आप, मटन पे ना जाएं। चिकन कढ़ाई कर लो। कहाँ चिकन कढ़ाई? 3 किलो कढ़ाई कर लेते हैं। चीज़ बॉडी मंगवा लेते हैं। चिकन बॉडी किसमें मंगवानी? बीफ में? नहीं बीफ मंगवाते हैं। अच्छा जिसने पैसे देना उससे तो पूछा नहीं। और कपूरों के साथ होना चाहिए कटाकट, कपूरों के साथ। आसिफ भाई जा रहे तो आपने जाना पड़ेगा। कपूरा नहीं कपूरे कपूरे होंगे भाई। 4 किलो चार कटाकट चार कटाकट कर दें फुल वाली। और 3 किलो कढ़ाई कर दें, चिकन कढ़ाई कर दें, चिकन पेशावरी कढ़ाई। आप ऑफ केजी में कर दिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा। सिक्स डिवाइड कर देना। छः हाफ कर देता हूँ ना, छः हाफ कर दें। छः हाफ कर कढ़ाई दे। एक भी बूटी बीफ है, बूटी बीफ है, और ये बिहारी कबाब बीफ है। तीन कबाब के लिए अफगानी बोटी मंगवाई? नहीं अफगानी बोटी नहीं, एक शबीक के लिए अफगानी बोटी। तीन बिहारी आ गई, हालांकि 5-6 बोटी आ गई, एक अफगानी आ गया भाई के फरमाइश पे। ठीक है अच्छा, और बाकी आपको ऑर्डर बता दिए। डन है, डन हो गया, सलाद भी लेकर आ जाए। ओके हाँ, तो भाई कहाँ पहुँचे हो आगा? यार हम लोग पहुँचे हैं नूरानी कबाब पे, और अफ्तार ड्राइव की जो है दावत हुई है। मेरे साथ सारे बॉयज मौजूद हैं। हाँ बॉयज क्या सीन है यार? वो बस उबीन भाई की तरफ से खाना है। भाई लोग रोजाना तैयारी करवा कर आगे, मैंने कहा डेट दे दो। खाने में क्या है भाई, क्या प्लान किया खाने का? यहाँ का मशहूर क्या होता है? कटाकट होता है। अच्छा, और कढ़ाई? कढ़ाई वाले भाई ये कढ़ाई वाले नहीं, बारबेक्यू तुम खा लोगे, कपूरे वाले हैं। और क्या खाना आप लोग? चलो मिक्स करके मंगा लेते, कुछ बारबेक्यू कुछ कढ़ाई और कटाकट। हाँ भाई जान, आपकी ये क्या खबीज नजर आ रही है? एकदम से अंदर की बनियान नजर आने शुरू हो गए। अच्छा बाबा देखे कटाकट वटाकट हमने ऑर्डर कर दिया, आपको तो बिल्कुल कोई मसला नहीं होने वाला। आपको तो अगर वो बोले भाई 3-4 बच्चे भी मैं डाल दूं कटाकट में, माशाल्लाह आप और शफीक भाई तो छोड़ेंगे। बाकी भाई हमारी आज टीम बैठी हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी के भी कोई नखरे नहीं है, जो ऑर्डर करेंगे सब खाएंगे इंशाल्लाह। भाई नूरानी का इंतखाब इस वजह से किया है कि नूरानी कबाब हाउस का तमाम लोगों ने नाम सुना है, मशहूर है, और जब कभी भी आप अगर शारा खाजी से गुजरते ना तो वो एक खुशबू ज़रूर आती है आपको बारबेक्यू की। सो वो खुशबू
नूरानी की होती है। तो और नूरानी यहाँ कटाकट नहीं खाया, आप बोल रहे हो भाई हर ब्लॉग में कटाकट ही आ रहा है, तो भाई अब क्या करें हम ऐसी जगहों पे जा रहे हैं। तो कटाकट के अलावा हमने कढ़ाई भी मंगवा ली है और हमने बारबेक्यू भी थोड़ा सा मंगवा लिया है, तो मिक्स करके खाएंगे इंशाल्लाह ताला उसका भी रिव्यू देंगे। फिलहाल ये ऐसे कोई फूड ब्लॉग नहीं था, बट हमने बोला इसको चलो फूड ब्लॉग बना देते हैं। वॉलंटियर थे हमारे तमाम लड़के हैं, तो हमने बोला भाई आज बाहर जाके खाना खाएंगे। कितना टाइम हो गया इसको यहाँ? इसको 1969 से बना हुआ ये, 1969 से। ठीक है, जब तक जब हमारे पास एक था वो हुआ करता था, अभी माशाल्लाह पूरे कर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमारे रेस्टोरेंट में लगे हुए 8 तवे लगे हुए। कितने? 8 तवे माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान में किसी के पास भी 8 तवे नहीं लगे हुए, हमारे पास 8 तवे कड़ाकट के लगे हुए। सबसे मशहूर जगह फेमस यही है। क्या की स्पेशलिटी क्या है? कड़ाकट और नॉन स्पेशल कबाब है, पुरानी स्पेशल बीफ कबाब और कटाकट और ब्रेन मसाला, ये हमारी एक स्पेशलिटी है। ज्यादातर लोग ये खाने आते हैं। फैमिली हॉल हमारे पास है, अरेंजमेंट है, उनके नीचे हॉल भी है, एसी हॉल भी है और ऊपर आउटडोर भी है, दोनों है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये भाई कटाकट आ गई है, तो बीच में गर्म तो नहीं है ना, पता चला हाथ गया। आ गया, आ गया वाला आर्मी आ गई। आज मेरा जबीन साहब रोटी से नहीं खा रहे, चम्मच रखा हुआ कटाकट के लिए। नहीं नहीं, शफीक के चेहरे पे लाली आ गई। ये देखो। भाई लोगों को बैठने दो, लोग बैठे ना बैठे, ना बिस्मिल्लाह ना खाने की दुआ। भाई बैठ के खा लो ना यार, किस बात की जल्दी रही है। हम वेट कर रहे हैं कि पूरा खाना सर्वो, तब अब बैठे, बट मुझे लग रहा है कि हमसे पहले ये फिनिश कर चुके होंगे। ऐसा नहीं, हम अपना अलग ऑर्डर। भाई अगवान बोटी शफीक साहब ने ऑर्डर की थी, इससे पहले हम वहाँ दें और वहाँ पे फिर रिव्यू नहीं आ सकेगा, तो हम चक रहे हैं ये अगवान बोटी है। बोटियाँ बड़ी बड़ी हैं, बड़ी भी और उसके साथ ये फैट। भाई मुझे तो दे दो, मेरा क्या कसूर है भाई। कटाकट ट्राई कर, कटाकट ट्राई कर रहे हैं। ये लग रहा है इसमें सरप्राइज दिलवाया असल में। अच्छा। तो भाई नए नए दूल्हे साहब, कैसा है खाना हैं? क्या खा रहे हैं आप? कटाकट खा रहे हैं। कैसी लगा टेस्ट के लिए? हाँ भाई पक्का कटाकट और उससे नहीं है। क्या है स्पेलिंग विदाउट स्टैंडिंग? अभी खाने के बाद अभी बता दे भाई, परेशान नहीं है। चल हाँ भाई सभी हैं जबरदस्त, उसके अलावा कुछ बोलना नहीं आता तुम्हें? जबरदस्त के अलावा हर व्लॉग के अंदर जबरदस्त, खाने के बाद बोलते हैं सारी चीजें। तुम्हारे इम्प्रेशन थे वो खाने के, तुम्हें लग रहे थे ये खाने अच्छा लगा तुम्हें? चपाती का वीडियो, चपाती घर से फोन आने की जो बात करी वो अच्छा। आप सबको छोड़ो आउट स्टैंडिंग स्पेलिंग सुनो, माशाल्लाह क्या रिव्यू, बहुत अच्छा। हाँ हमें जगह नहीं मिली, बारबेक्यू नहीं है फिलहाल हमारे टेबल पर, आखिरकार एक कढ़ाई मिल गई जो बच गई। कटाकट से शुरुआत करता, नूरानी की बात क्या है? एज ऑलवेज हमेशा जैसा होता है। ये क्या एपेटाइजर चल रहा है आपका? साथ साथ हमें तो कटाकट मिला नहीं, कढ़ाई से शुरुआत की। आज तो बाबा वाले सुरूर आ रहे हैं मुझे। भाई माशाल्लाह फाइनली हमारा भी टेबल भर चुका है, कटाकट हमने मंगवाई एक और। कम पड़ गई बाबा? हाँ कम पड़ेगी दर्दी बात है, बट ओवरऑल जो है ना खाना बड़ा अच्छा है। अब वैसे हम तो काफ़ी बचपन से ही खा रहे हैं नूरानी का, तो काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ मैं बाबा वैसे, तो उस दिन तो मंगवा ली थी, तो मंगवाने का टेस्ट अलग होता है, लाइव बैठ के खाने का टेस्ट अलग होता है। भाई आप लोगों को पता है एक बंदे की नियत बदल रही हमारी टेबल पे, वो शफीक भाई बार बार पलट पलट के पीछे देख रहा है कि हम लोग अलग बैठ गए ना। भाई आना है। अच्छा वहाँ का खत्म, यहाँ आके खाओगे? तो वही गलती है खाने के चक्कर में, वहीं आके बैठे और पछतावे बैठ गए। अरे बाबा यार ये लड़के तो ठंडे निकले पूरे, कहाँ ये सब खाई नहीं ना कोई यार, हम तो अपने समझ के हमने ऑर्डर दिया था, हम खाते हैं। इतने लड़के और कहाँ हमारी एक टेबल यार, खुदा की कसम। अबे क्या हो गया, हाथ क्यों नहीं चल रहे भाई? हाँ भाई भाई पेट भर गया आपका? अलहमदुल्ला माशाल्लाह। हाँ भाई सब सेट है बाबा? सेट है सब कुछ, थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। बाबा खुदा की कसम, बाबा आप अपना वेट नहीं देख रहे, वेट ही कर रहे हैं हम भाई। ये खैर हमने सोचा कि भाई आज क्यों ना नूरानी पे आए तो फूड ब्लॉग ही बना लेते हैं, क्योंकि भाई है तो रेस्टोरेंट ही रहे और देसी खाना है,
तो जो बाहर रहते हैं उनको ये ज़रा ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है, जो रोज़मर्रा के लोग हैं उनको तो ये तो देखते रहते होंगे। तो हमने सोचा भाई चलो क्यों ना फूड व्लॉग बनाते हैं। तो ये भाई फूड व्लॉग था, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। शारा खाई थी नूरानी कबाब हाउस, हर किसी को पता है, नहीं पता तो गूगल मैप खोले और आपको पता चल जाएगा। तो हमने सोचा भाई आ जाओ लड़के, आज हम सब मिलके जो है डिनर करते हैं। तो ये डिनर था हमारा और थैंक्स टू नूरानी कि उन्होंने हमें एक अच्छा सा डिस्काउंट भी दे दिया इसी चक्कर में। चले जी इजाज़त दीजिएगा, आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। मिलते हैं फिर किसी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।